और संस्था को बनाते हैं। इसके ऊपर भी एक सीढ़ी है जहां लोग स्वयं एक संस्था बन जाते हैं और बहुत सी संस्थाओं को बनाते हैं, बहुत से व्यक्तियों को बनाते हैं, समाज को बनाते हैं, और डॉक्टर साहब उनमें से ही एक है। मेरे जीवन का यह सौभाग्य है कि परमपिता ने ये आशीर्वाद दिया कि जीवन में डॉक्टर साहब आपसे मिलने का मौका मिला, आपके साथ कार्य करने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला। इसे मैं इस जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि और परमात्मा का बहुत बड़ा आशीर्वाद मानता हूँ। और जब आज 20 साल आप पूरे कर रहे हैं बिमटेक में, तो एक बहुत छोटा हूँ, आपसे कोई भेंट नहीं ले सकता हूँ, शायद जिंदगी में कभी इस हालत में नहीं होगा कोई भेंट दूँ आपको, लेकिन भेंट स्वरूप एक स्वप्न जरूर दे सकता हूँ। एक ऐसा स्वप्न जो शायद आज की तारीख में हकीकत नहीं है, हकीकत से बहुत दूर है, लेकिन हमारे जैसे बहुत से युवा आपकी तरफ बहुत उम्मीद से देखते हैं, क्योंकि आप जैसे नेता और नेतृत्व बहुत कम है समाज में, जो लोगों को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, उनको बढ़ाने में यथासंभव न सिर्फ प्रयास करते हैं बल्कि इंश्योर करते हैं कि जो भी उनके आसपास लोग हैं वो बढ़ें। स्वप्न ये है सर कि एक गुलामी से निकला हुआ, आज़ादी के 72-73 साल पूरे किया हुआ देश, एक युवा देश आपके नेतृत्व की ओर देख रहा, बहुत आशा से देख रहा है कि जो भारतीय सोच है, जो भारत की संपदा है, वैचारिक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, भारत सरकार की एक योजना जो जल्दी समाज के सामने आने वाली है, जिसमें कि भारतीय प्रबंधन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे ले जाएं और उसके पहले भारत में क्या क्या किया जाए जिससे कि उनका संकलन संभव हो और उनकी वृद्धि संभव हो, सर अपना आशीर्वाद इस योजना को जरूर दीजिए।